गाइस, माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब डे। हमारे किचन में अलग अलग तरह का बहुत सारा सामान होता है और कभी कभी हमें लगता है कि शायद हमारे किचन में इनफ स्पेस नहीं है या फिर कम कैबिनेट्स हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज लेकर आई हूँ, जिनसे कि आप उन्हीं कैबिनेट्स में ज़्यादा सामान रख पाएंगे और अपने किचन को परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट गाइस, बिफोर दैट, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, वीडियो रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज हर फैब डे। सबसे पहले आते हैं ये प्लास्टिक फोल्डिंग रैक्स, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं। इनको यूज करके आप अपना काउंटरटॉप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको किचन कैबिनेट्स में भी रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए आप इन्हें वर्टिकली प्लेस भी कर सकते हैं। मैंने इन रैक्स को यूज़ करके अपने सारे ग्लासेस, टी सेट्स, मग्स, बॉटल्स, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन रैक्स को यूज़ करके शेल्फ में डबल स्पेस हो गई है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बहुत ही नीटली ऑर्गेनाइज्ड हैं। नेक्स्ट है डबल लेयर मेटल रैक। ये रैक देखने में बहुत एलिगेंट लगता है और साथ में ये बहुत ही स्टर्डी भी है। इसको यूज करके आप अपना काउंटरटॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डबल लेयर होने की वजह से इट्स अ रियल स्पेस सेवर, क्योंकि इस तरह से आप वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करते हैं। इस रैक को यूज करके आप अलग अलग तरह की चीजें जैसे कि ऑयल, सॉस, पिकल, जैम, मेयोनीज, ये सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस रैक पे काफ़ी सारा सामान ऑर्गेनाइज कर लिया है। ये देखने में भी अच्छा लगता है और ये आपके काउंटरटॉप पे बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट है मेटल डिश रैक, जो कि अगेन बहुत ही स्ट्रांग है। इसके अंदर मुझे तीन चीज़ें बहुत अच्छी लगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके बेस पे कोई भी लेग्स नहीं है, जिसकी वजह से हमारे शेल्फ में कोई वर्टिकल स्पेस वेस्ट नहीं होती। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इस रैक में पीछे के सेक्शंस में ज़्यादा स्पेस है और आगे के सेक्शंस में कम स्पेस है, जिसकी वजह से आप अलग अलग थिकनेस की प्लेट्स एक ही रैक में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और फाइनली, हर डिवाइडर में यह कर्व है, जिसकी वजह से आप कढ़ाई की, पैंस की, लिड भी एक ही स्टैंड में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैंने इस ड्रॉअर में दो स्टैंड्स को यूज़ करके अपनी सारी प्लेट्स को बहुत ही नीटली ऑर्गेनाइज कर लिया है। इसको यूज करके आप बहुत ही कन्वीनियंटली कोई भी प्लेट पुल आउट कर सकते हैं। अगर आपके किचन में कोई ऐसी कैबिनेट है जिसके अंदर कोई भी शेल्फ नहीं है, तो ऐसे में बहुत स्पेस वेस्ट हो जाती है। इसके लिए आप इस तरह का एक रैक ले सकते हैं। ये रैक बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही स्ट्रांग है। इसको यूज करके आप अपने कैबिनेट की पूरी स्पेस अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे ऊपर मैंने वेजिटेबल बैग और ग्रोसरी बैग को फोल्ड करके रखा हुआ है। इस शेल्फ पे मैंने फर्स्ट बास्केट में वॉशिंग पाउडर और लिक्विड डिटर्जेंट रखा हुआ है। सेकंड बास्केट में सभी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं। बॉटम शेल्फ में फर्स्ट बास्केट में सभी टिश्यू पेपर्स और पेपर रोल्स रखे हुए हैं। सेकंड बास्केट में सभी किचन नैपकिन्स ऑर्गेनाइज्ड हैं और लास्ट बास्केट में स्पॉन्ज और स्क्रबर्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने एंटी स्लिप मैट रोल रखा हुआ है। इस तरह से एक रैक यूज करके आप स्पेस को परफेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सभी पॉली बैग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेश बैग्स। इसको हैंग करने के लिए टॉप पर ये लूप है और पॉली बैग्स को पुल आउट करने के लिए नीचे दो होल्स हैं। पॉली बैग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप उनको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद उनको रोल करके उसके लूप में टाई कर लीजिए।
बड़े और छोटे पॉली बैग्स को सेग्रीगेट करने के लिए आप दो बैग्स यूज़ कर सकते हैं और उनकी इस तरह से नेमिंग भी कर सकते हैं। पॉली बैग्स को नीटली ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल मेश बैग्स हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि बैग्स को कैबिनेट डोर्स में अंदर की तरफ ही फिक्स करें ताकि डोर बंद करते टाइम वो उसमें अटके नहीं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेटल कैडी, जिसको आप कैबिनेट डोर पर हैंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप चाहे तो बटर, जैम, मेयोनीज ये सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपने किचन क्लीनिंग एसेंशियल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर डस्टबिन पॉलिथिन रोल्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप कैबिनेट्स के टॉप स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है बहुत ही ब्यूटीफुल नैपकिन होल्डर। ये होल्डर आयरन का बना हुआ है। इस होल्डर पे ये डिज़ाइन है जिसकी वजह से ये बहुत ही एलिगेंट लगता है और आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। आप इस तरह से अपने नैपकिन्स इसके अंदर प्लेस कर लीजिए। इस पे ये वेट है जिसकी वजह से आपके नैपकिन्स इंटैक्ट रहते हैं और फैन के नीचे उड़ते नहीं हैं। आप इस तरह से इजीली नैपकिन्स को पुल आउट कर सकते हैं। दिस लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट प्रोडक्ट है किचन टॉवल होल्डर, जिसको आप कैबिनेट डोर पर या ड्रॉर पर हैंग कर सकते हैं। किचन टॉवल्स को हम काउंटरटॉप पे ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही अनटाइडी लुक देता है, लेकिन इस तरह का हैंगर यूज करके ना सिर्फ वो नीटली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे बल्कि आपके काउंटरटॉप पे स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। इसी तरह से कैबिनेट डोर की स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए आप इस तरह का हैंगर ले सकते हैं और उसको आप इस तरह से कैबिनेट डोर पर हैंग कर सकते हैं। इस हैंगर पे आप स्ट्रेनर्स, विस्कर्स ये सब चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या फिर इस पे बहुत कम यूज होने वाली चीजें जैसे कि बॉटल ओपनर, पिज्जा कटर ये सब चीजें भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह के ओवर द डोर हैंगर्स यूज करके कैबिनेट डोर्स क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इस तरह के सेल्फ एडहेसिव ऑर्गेनाइजर्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 5 हुक्स है और एक ऑटोमेटिक फोल्डिंग हैंगर भी है। आप इसी तरह से इसमें स्ट्रेनर्स और विस्कर्स को हैंग कर सकते हैं और यहाँ पर किचन नैपकिन्स को हैंग कर सकते हैं। या फिर आप इसको अपने यूटिलिटी सेक्शन में भी प्लेस कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग चीजें जैसे कि रबर ग्लव्स, स्क्रबिंग ग्लव्स हैंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप डस्टिंग क्लोथ्स भी हैंग कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे वो सभी प्रोडक्ट्स जिनको यूज़ करके मैं अपनी किचन को ऑर्गेनाइज कर पाई एंड आई होप आपको भी ये सभी प्रोडक्ट्स यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब पे। बाय।